हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप काफी अच्छे हैं। और स्पेशली दिल्ली की अगर बात करें तो मानसून आ चुका है, काफी अच्छा वेदर हो चुका है, तो दिल्ली वाले तो काफी खुश होंगे। चलिए आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, यानी आप कहीं पे काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, या आपके एम्प्लॉयर से आपको कुछ पैसा मिलता है, तो उसको किस तरीके से कहां इन्वेस्ट करें जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिले और टैक्स बेनिफिट भी होगी। तो आज ऐसी 5 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करूंगा। सबसे पहली बात करता हूं, देखिए जनरली हमारा सोचना होता है कि कहां पैसा लगाएं जिससे हमें बेनिफिट मिले, यानी टैक्स नहीं लगे और बेनिफिट मिले। तो एक ऐसा ऑप्शन है जहां कहीं आपको इन्वेस्ट नहीं करना, फिर भी गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देगी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 50,000 एक ऐसा अमाउंट है, यानी आपकी सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट कर दिया जाएगा। इस अमाउंट पे गवर्नमेंट कोई भी आपसे नहीं पूछेगी कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया या कहीं किसी का पेमेंट किया। सिंपली सभी के लिए अलाउ है ये, 50,000 का डिडक्शन सभी को मिलता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये तो सबसे बेस्ट लगता है। आइए दूसरी बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे पेमेंट आज के टाइम में ऐसे होते हैं जो जरूरी से हो गए हैं और सभी लोग करते हैं। जैसे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, उसका प्रीमियम देते हैं, या बैंक में अकाउंट होता है उसमें FDs कराते हैं, या पोस्ट ऑफिस में PPF खुल रहा है, NSE कराते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है या LIC का प्रीमियम पे किया है, तो इन सब पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और ये सब आता है ATC की बकेट में 1.5 लाख रुपए तक। यानी ATC की एक तरीके से बकेट मान लीजिए जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से अगर आप किसी भी ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी का पेमेंट करते हैं, तो आपको उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। साथ ही साथ जब आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया हमने PPF का, दूसरा एग्जांपल लिया हमने 5 ईयर्स की टैक्स सेविंग FD करा लेते हैं आप, या आप होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, NSE परचेज कर लेते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिनका आप पेमेंट करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो दूसरा तो ये पॉइंट हो गया एक सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। थर्ड बात करते हैं, तो काफी दिनों से लोकप्रिय होता जा रहा है ये, काफी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम NSC। तो NSC में क्या होता है, NSC एक तरीके से रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें अभी आप पैसा डालते हो, आपका एम्प्लॉयर अलग से पैसा इन्वेस्ट करता है, ये जो सारा पैसा इकट्ठा हो गया जब आप रिटायर होंगे तो आपको दे दिया जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे और जब से अभी आपसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब से आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि इसमें से पैसा शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, तो जहां रिटर्न मिलने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। और जब रिटायरमेंट पे भी ये पैसा मिलेगा तब भी आपको टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो NSE में आप 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है एक मैंने, कि आप कैसे अकाउंट खोलेंगे, कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब फोर्थ बात कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए आज के टाइम में कोरोना में हमने देखा काफी लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके लिए एक प्रीमियम पे करते हैं, तो इस प्रीमियम पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है और 25,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कभी लेबोरेटरीज पे जाके आप अपना चेकअप कराते हैं तो उसके लिए भी 5,000 का अलग से बेनिफिट मिलता है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव चेकअप। और अगर सीनियर सिटीजन है जिनके लिए आपने LIC का सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम दिया है, तो उनके लिए 50,000 तक की लिमिट है। अब फिफ्थ बात कर लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस HRA। देखिए सभी लोग अपने घर पे तो जॉब कर नहीं पाते हैं कि उसी लोकेशन में उसी सिटी में, तो आप किसी और सिटी में जा रहे हैं वहां पे रेंट दे रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको HRA देता है उस रेंट की भर्ती पूर्ति करने के लिए। तो अगर आप कंपनसेट करा है आपका एम्प्लॉयर आपको HRA दे रहा है, तो आप उसमें भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यानी जितना आपको HRA मिल रहा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से वो आपकी इनकम नहीं है, आप उसे खर्च कर रहे हैं किराया देने में। तो अगर आपको HRA भी नहीं मिलता और आप किराए पे रह रहे हैं, तो अभी एक सेक्शन आता है 80GG जिसमें भी आपको और बेनिफिट मिल जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये 5 तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। एक और बात करूंगा, आज के टाइम में हमने देखा है कि काफी लोग पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने अब चले गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार बाय कर रहे हैं। तो अगर आप 2023 के बीच में कोई इलेक्ट्रिक कार बाय की है जिसके लिए आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा एज ए सैलरीड एम्प्लॉई। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। जब भी आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें तो आप देख सकते हैं, ड्यूअल बेनिफिट देखें कि हमें टैक्स का भी एडवांटेज हो जाए, साथ ही साथ जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हमें रिटर्न भी अच्छा मिले। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।